नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर आए दिन सुर्खियों में बने ही रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही वो कोरोना की चपेट में आ गए थे, हालांकि अब वो ठीक है। वहीं अब बॉलीवुड के इस हैंडसम हंक के फैंस के लिए बेहद ही बड़ी खबर सामने आई, जिसे जानने के बाद उनके फैंस यकीनन खुशी से झूम उठेंगे। ये हर किसी को पता है कि रणबीर कपूर की दो बिग बजट फिल्में ब्रह्मास्त्र और शमशेरा काफी लंबे समय से अटकी पड़ी। इन दोनों फिल्मों में पहले पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के चलते देरी होती रही और अब कोरोना की वजह से ये दोनों फिल्में थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पा रही। इन फिल्मों के लिए रणबीर कपूर ने काफी मेहनत की थी और अपना काफी वक्त भी दिया, लेकिन फिर भी कुछ वजहों के चलते ये फिल्में दर्शकों के सामने नहीं आ पा रही। ऐसे में रणबीर कपूर ने फैसला किया है कि वो बिना VFX वाली फिल्में साइन करेंगे, ताकि उनके पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वक्त ना लगे और तय समय पर उनकी फिल्में रिलीज हो जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर कपूर के हाथ में बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म लग गई। रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए राजकुमार हिरानी संग हाथ मिलाया। रणबीर कपूर ने साल 2018 में संजू नाम की सुपरहिट फिल्म के लिए राजकुमार हिरानी संग काम किया था और अब दोनों ने फिर से साथ काम करने का फैसला किया। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो राजकुमार हिरानी ने रणबीर को ही ध्यान में रखकर एक स्क्रिप्ट लिखी, जो कि एक्टर को भी पसंद आई। राजकुमार हिरानी इस फिल्म को संजू के तुरंत बाद शुरू करना चाहते थे, लेकिन शाहरुख खान के लिए उन्होंने इसे होल्ड पर रख दिया था। बता दें कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान जल्द ही एक फिल्म शुरू करने वाले। जैसे ही वो खत्म होगी, राजकुमार हिरानी रणबीर कपूर के साथ अपनी अगली फिल्म शुरू कर देंगे। राजकुमार हिरानी और रणबीर कपूर की इस फिल्म के अनाउंसमेंट जल्द ही हो सकती। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए होगा और इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बताया जा रहा है। ये हर किसी को पता है कि राजकुमार हिरानी फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी अब तक सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिनमें मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स और संजू जैसी फिल्मों के नाम शामिल। और अब रणबीर कपूर फिर से बड़े पर्दे पर राजकुमार हिरानी के साथ धूम मचाने आने वाले। इन फिल्मों के अलावा भी रणबीर के कई सारी फिल्में हैं। ब्रह्मास्त्र और शमशेरा के अलावा वो लव रंजन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ नजर आने वाले। वहीं इसके अलावा वो क्राइम ड्रामा फिल्म एनिमल में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ परिणीति चोपड़ा नजर आएंगे। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।